नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वसीतपुर के वगराल पड़ा राजीवली में एक बार फिर एक बुरी खबर सामने आई है। वगराल पड़ा राजीवली वही क्षेत्र है जहां पर पहाड़ों को काटकर अवैध निर्माण जोरों शोरों से किया जाता है और उसी अवैध निर्माण की भेंट कई लोग चढ़ चुके हैं। पहाड़ों को काटे जाने के कई दुष्परिणाम अब तक सामने आ चुके हैं। पिछले साल भी आपको याद होगा कि लैंडस्लाइड की वजह से एक घर के ऊपर लैंडस्लाइड हुई थी और उसमें दो जनों की मृत्यु हुई थी। यहाँ अभी की जो हाल ही में जो घटना सामने आई है, उस घटना में फिर एक बार एक शख्स की जान गई है। दरअसल जो जानकारी सामने आई है उसमें ये बात सामने आई कि राजावली के ही रहने वाले सुनील दुबे नाम के एक शख्स, जो कि सब्जी भाजी का व्यापार करते थे, उसकी अवैध खनन के चलते पहाड़ के नीचे गिरने से मौत हो गई। राजावली अवैध खनन का एक बहुत बड़ा हब है, आप सभी जानते हैं, और गाहे बगाहे कितनी प्रशासन कार्यवाही करता रहता है, लेकिन राजावली में फिर अवैध खनन शुरू हो जाता है। पहाड़ों की कटाई लगातार सतत चालू रहती है। ये जो घटना जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये घटना राजावली क्षेत्र की है जहां पर सुनील दुबे बीती रात को अपनी पत्नी को बोल के गया घर से कि मैं बाहर जाकर आ रहा हूं, और बाहर जाकर जब वापस लौटा नहीं घर पर, तो पत्नी ने यहां वहां ढूंढने की कोशिश की, परिचितों ने यहां वहां ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। अगली सुबह कुछ बच्चे पहाड़ की उस तरफ खेल रहे थे तो उनको सुनील दुबे की लाश दिखाई दी और उन्होंने इसकी जानकारी परिजनों को दी। बाद में पुलिस आई और लाश को अपने कब्जे में लिया। यह सुनील की मौत के लिए सीधे सीधे अवैध खनन जिम्मेदार है, क्योंकि वहां इस बेतरतीब ऐसे बेतरतीब तरीके से अवैध खनन किया जाता है कि कब किसका पैर कहां फिसल जाए नहीं मालूम पड़ता है। हालांकि सुनील दुबे को लेकर एक जानकारी यह भी सामने आई कि सुनील दुबे खुद नशा करता था और नशा करने की ही नीयत से वो गया भी था, लेकिन वो बात अलग है। ये राजावली का जो क्षेत्र है जहां पर अवैध खनन और इल्लीगल बांध काम, अनाधिकृत बांध काम सतत जारी रहते और उसकी वजह से कई बार हादसे हो चुके हैं। अभी हाल ही में समाज सेवक किशन देव गुप्ता ने भी राजावली को लेकर कुछ पोस्ट सोशल मीडिया में किए थे और उन्होंने फोटो सोशल मीडिया में जारी करते हुए बताया था कि किस तरह से राजावली में जिस पहाड़ के नीचे दबकर दो लोगों की मौत हुई थी, उसी पहाड़ का अवैध खनन जारी है और चालियों का निर्माण फिर जारी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन क्या फिर से ऐसे हादसे के इंतजार में है कि आने वाली बारिश में फिर कोई ऐसा हादसा सामने आए? क्या फिर किसी की जान जाने के बाद में प्रशासन जगेगा? यह सवाल बड़ा है। सुनिए सुनील दुबे की मौत के बाद क्या कुछ परिजनों का कहना है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सचिन, क्या घटना हुई है, क्या नाम था लड़के का, क्या करता था? सुनील दुबे नाम था सर, भाजी का धंधा करता था, अपने लोग का दोस्त था, अपने लोग के साथ में रहता था। कल 10 बजे वो गाड़ी लेके आया अपना ठेला, तो उसने मेरे से बोला कि चलोगे गोटी? मैं बोला ठीक है, तो बोलता है चलो खाना पीना खा लो। तो साढ़े दस बजे करीब आया था, तो अंदर घुसा, फिर हम लोग अपना खाना पाने लगे। हम अपना खाना तो हमारा सामने रूम है, वो सामने हमारा दुकान है, उसमें हमने चला गया। तो कब निकला कब नहीं निकला, ये अकेला ही निकला अब मालूम नहीं सर, वो तो अच्छा, हम लोग नहीं देखे थे। अच्छा, तो आप लोग मतलब आप लोग भी बिजनेस करते हैं? हाँ, हम लोग धंधा। ये जिस चाली का नाम क्या है जहाँ रहता था, ये तो पांडे जी बता सकते हैं। चाली का नाम क्या है? चाली का नाम नहीं रखा है अभी, क्या बोलते हैं इसको? सोनी देवल मंदिर। ये एरिया कौन बोलते हैं चाचा? हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786